और आपके भरपूर तालियों की गूंज में इसका बल होना चाहिए कि जो लोग अपना वक्त अपनी सलाहियत अपनी मेहनत चांदनी में नहा रहा है चांद किस कदर जगमगा रहा है चांद ऐ सितारों जरा अदब से रहो देखो महफिल में आ रहा है चांद। नासिर हुसैन अंसारी साहब तशरीफ ला चुके हैं, मुंबई बेगर एसोसिएशन के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। टेरेस और मैदा व्यापारियों की पूरी टीम यहाँ एक बार फोटो यहाँ ऐसे आ जाए लाइन में आ जाए एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें उनका इस्तकबाल करें। और हम चाहते हैं कि अब ये दीदार हो चुके हैं, पर्दा उठ चुका है, अब अपने अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आज जनरल बॉडी मीटिंग जो रखी गई है द बॉम्बे बेकर एसोसिएशन की, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आज की मीटिंग में बेकरी वाले सारे लोग जमा थे यहाँ पे, सब लोग बहुत खुश थे, हमने भी बात किया, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोग भी खुश हैं और जाकर के आगे किस तरीके से काम करेंगे? ट्रेडर्स लोग भी थे यहाँ पे, लोग सब मिलके काम कर रहे हैं, ट्रेडर्स वाले और बेकरी वाले सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। उस ट्रेडर्स की मतलब जो होती है वो बेकरी वाले से बेकरी वालों के महंगाई की बात करें, महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, क्या लगता है फिर से जो है रेट को जो है बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा? छह महीने पहले जब हमने सही किया था उस टाइम पे मैदा 1350 आज मैदा 1750 से कम नहीं है, 1700 1750 से कम नहीं है, कम से कम 350 रुपये कट्टे में भाव, इसी वजह से आज हमको भाव बढ़ाने की जरूरत है। आज हमने भाव बढ़ाया है जो 1 तारीख से लागू होगा, 1 दिसंबर नया साल नया भाव, 1 जनवरी से नया साल नया भाव रहेगा, इसलिए आज मीटिंग जो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। क्या लगता है इतनी बड़ी तादाद में कभी बेकरी वाले इकट्ठा नहीं हुए? कई लोगों ने बोला मैं 40 साल से देख रहा हूँ, मैंने बोला कई लोगों ने बोला 30 साल से देख रहा हूँ, कभी इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हुई, तो क्या बदलाव आया है आपके जिम्मेदारी में? बदलाव बस ये दिख रहा है, लोगों में खुशहाली है, लोगों के काम हो रहे हैं, ये बदलाव है। हम हर जगह कोने कोने जा जा के काम कर रहे हैं, हर बेकरी के अंदर जा जा के काम कर रहे हैं, कोई हमें लिखित में कुछ कंप्लेंट देता है तो उसकी कंप्लेंट को फौरन तौर पर उनकी सॉल्व करने की क्या लगता है आपसे बेकरी वाले जिस तरीके से खुश हैं और इतना बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग दूर पूरे मुंबई से आए हैं बेकरी वाले और आपसे जुड़ रहे हैं, तो और क्या कहना चाहेंगे जो लोग नहीं भी आ पाए? काम हो रहा है, ये हमें भरोसा कर रहे हैं, एज ए प्रेसिडेंट में इन लोगों का कुछ काम कर पा रहा हूँ,
आपने जो टर्म कंडीशन रखा है बहुत से लोग खुश हैं और क्या लगता है कुछ लोग नाराज भी हैं क्या? देखो जिनके अंदर चोरी है वो टर्म से कंडीशन से नाराज हैं, बाकी जो चोरी नहीं करना चाहते हैं, जो अपने धंधे को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं उनको कोई नाराजगी नहीं है, वो अच्छा भाव लेते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। बाकी जिनकी नीयत चोरी की है या कि कुछ गलत करने की है वो इस चीज़ से नाराज़ हो सकते हैं। बाकी हमारा एक भी व्यक्ति वाला इस चीज़ से नाराज़ नहीं होगा कि भाव बढ़े। बाकी क्या कहना चाहेंगे लास्टली लोगों से जो बेकरी वाले यहाँ पे आए हैं, जो जनता है जो अभी नया भाव खुल रहा है, क्या कहना चाहेंगे लास्टली अपील क्या कहना? मेरा अपील यही है कि जो भी बढ़तियाँ इधर उधर उन्होंने रोक लगा कर रखी है बढ़ती जो सेल्स मैन होते हैं हमारे, कोई भी इधर उधर से भाव ना ले, जिस बेकरी से वो ले रहा है उसी बेकरी से उसे भाव ले रहा है, उसी बेकरी में जाने की कोई इजाज़त नहीं है। और अपने फेरे वाले को अपने सेल्स मैन को भी दूसरी जगह जाने की इजाज़त नहीं है, उन्हीं का फेरी वाला है, उन्हीं का सेल्स मैन है, उसको ना बढ़ती इधर से उधर जा सकती है ना उधर से इधर आ सकती है, वो चीज़ है। और हमने वेट को बहुत मायने दिया है, 400 ग्राम जो हमने पक्का वेट दिया है, अब हम कच्चे को बोलते आते थे कच्चे को हमने मार्केट से ख़त्म कर दिया है, अब कुछ कच्चे पे नहीं होगा, अब जो होगा पक्के वेट पे होगा, जब भी होगा पक्के वेट पे होगा, पक्का वेट 400 ग्राम हम लेंगे। और वो भी बेकरी के अंदर वजन होगा, बेकरी से बाहर निकल गया माल तो उसकी कोई वो नहीं होगी, इसलिए हम पक्का वेट लेंगे, बेकरी के अंदर वजन करके लेंगे, बेकरी के बाहर माल जाने के बाद उसकी कोई जिम्मेदारी बेकरी वाले की नहीं होगी, वो वजन वहीं होगा बेकरी में, तो ही उसकी जिम्मेदारी होगी। वजन अगर कम मिला तो हम बेकरी वाले पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कई बेकरी वालों पे आपने कार्रवाई भी करी है और मुझे लगता है कि आप वेट और रेट दोनों पे मतलब स्ट्रिक्ट हैं। जी मैं हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट, हमारी पूरी टीम बहुत स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्टनेस की वजह से आज पब्लिक इतनी जुड़ रही है हम लोगों को हमारे काम को देख, यही वजह है कि हम लोग स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, नहीं चाहते भी हम लोगों को कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो हम नहीं चाहते, मगर मजबूरी ऐसी है कि हमको करने पड़ते हैं, वो समाज का कीड़ा होता है जिसको उखाड़ना समाज के लिए अच्छा होता है, वो हमें मजबूरन वो करना पड़ता है। लास्टली नए साल में और क्या प्रोग्रेस आएगा, क्या मतलब प्रोग्राम है आपका? नए साल में हम लोगों ने नया भाव दिया है, अब इसी भाव को किसी तरह से उठा के रखना है, उस भाव को टिका के रखना है, अपनी मुर्गियों को जाने नहीं देना है, बस नए साल में नए बदलाव आएंगे तो उस चीज़ के लिए हम फिर भी निकलेंगे इंशाल्लाह, अगली मीटिंग इससे भी जरूर आएंगे। शुक्रिया। और हमारे अध्यक्ष के बीचों में क्या कहना चाहेंगे? बॉम्बे के जी जनरल पार्टी मीटिंग हुई है, आज जनरल पार्टी का मीटिंग होने का मतलब किया कि लोगों को जो कुछ बेकरी वाले थे, कुछ बेकरी वाले रेट और वेट में कब्जाबाजी करते हैं, आज हमारे प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को भी खत्म कर दिया है कि रेट और वेट में कोई भी कब्जाबाजी नहीं करेंगे, साफ सफाई से अपना अपना माल बनाएंगे। जी बॉम्बे बेकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नासिर अंसारी ने कहना है कि बेकरी वाले जितने भी परेशान थे उनकी परेशानियाँ खत्म हो जाए, जो कर्जदार थे उनके कर्ज खत्म हो जाए, और साफ और सफाई से अपनी टेक्निकल लाइन से अपना मशीनरी से अच्छे से अच्छी मशीनरी लाए, उसके साथ अच्छा अच्छा माल बनाए। और आज रेट और वेट जो चंद बेकरी वाले कब्जाबाजी करते थे उनको बिल्कुल हर तरह से मुफ्त किया गया है, तकरीबन 450 बेकरी वाले आज यहाँ से इकट्ठा हुए और रेट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा गया, 1 पाव 50 पैसा बढ़ा गया है, 6 पाव की इलाजी अब पब्लिक को 15 रुपये में मिलेगी और 12 पाव की इलाजी 20 रुपये में मिलेगी, ये रेट रखा गया है, एक पाव नरम पाव 2.5 रुपये का और उरुण जो कड़क पाव होता है 3 रुपये का, ये रेट रखा गया है। और इस रेट का वजन 400 ग्राम नेट तैयार 12 पाव की इलाजी और 200 ग्राम नेट तैयार 200 ग्राम को 12 रुपये 11.5 रुपये और अपना नेट 200 ग्राम तैयार 15 रुपये की इलाजी 2.5 रुपये जो आपको करना। क्या लगता है नासिर भाई की अध्यक्षता में कितना बदलाव आया है बेकरी एसोसिएशन में? नासिर भाई की अध्यक्षता में जिस तरह से बेकरी वालों को काफ़ी दिनों से, मैं इस लाइन में मुझे 40 साल हो गया, 40 साल के ऊपर मैंने देखा कितनी जागरूकता, कितनी एकता और कितनी मोहब्बत, कितनी एक दूसरे से लगा हमने अभी तक हम इस लाइफ में नहीं देखा, क्योंकि मैं पहली सीढ़ी से चढ़ा हुआ आदमी हूँ, बेकरी की समस्या, बेकरी के ऑनर की समस्या
आने वाले वक्त में बहुत बेहतर से बेहतर काम होगा, नई नई तकनीक से, नई नई मशीनरी से, पिज्जा है, बर्गर है, पाव है, पूरा पाव है, जितने भी बेकरी आइटम बनता है उसे बेहतर से बेहतर माल बनाने की कोशिश करेंगे। इसी जागरूकता के लिए आप नई नई तरीके से पाव बनाइए, नई नई तरीके से पिज्जा बर्गर बनाइए, सारी दोस्त बनाइए, केक बनाइए, सारे बेटी वालों को औरत के यहाँ ठीक हो गए, बेटी बहुत सक्सेसफुल हो गए। नासिर भाई हमारे दुकान में बेकर आए, 5 साल के बाद भी इस तरह से उत्साह है, अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, लेकिन नासिर भाई भी इंशाल्लाह अगले साल 5 साल के बाद भी प्रेसिडेंट बैठने वाले हैं। आज जो बेकरियों वालों इकट्ठा हुए, गेट टुगेदर हुआ, क्या कहना चाहेंगे नासिर भाई की अध्यक्षता में, इतना बड़ा जमावड़ा आपने पहले बेकरी में देखा क्या, पहली बार हुआ? बहुत खुशी देखने को मिली बेकरी वालों में, क्योंकि बहुत बड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? अदा करेंगे। अल्लाह ने हमको नासिर भाई जैसा प्रेसिडेंट अदा किया, जिनकी मेहनत और मशक्कत से सारे बेकरी वाले मुंबई से लेकर थाना और जितना भी आस पड़ोस का एरिया है, सब लोग यूनिटी के साथ लोग से जुड़े हुए हैं, और उनकी मेहनत रंग ला रही है इतनी कि आज ये फूल आप उसकी शक्ल में देख रहे हैं। तो हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, नासिर भाई का और उनकी सारी टीम का, जिसकी बदौलत सारे बेकरी वाले फायदा हुआ है। कितनी खुशी है आप बेकरी वालों को? बहुत खुशी है, खुशी अब हम जाहिर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खुशी है। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। क्या लगता है भाई आपको, क्या लगता है? सभी का बहुत ही सकारात्मक एक एटीट्यूड था,
क्या लग रहा है आज जो भाव बढ़ा है तो किस तरीके आप लोगों को क्या लगता है? आप सब पूछो, आप भी बोलिए चाहिए। बेकरी वालों और ट्रेडर्स वालों की एक गेट टुगेदर हुई है, उसमें आपको कैसा लगता? कभी बहुत अच्छा लगता, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? आज की जो मीटिंग रही, बेकरी वाले थे, ट्रेडर्स वाले थे, क्या कहना चाहेंगे?